शिवपुरी जिले के पौरी में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चोरी की घटनाएं रोकने में विफल नजर आ रही है। यही कारण है कि पौरी कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला शिवपुरी पौरी रोड पर पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राजखेड़ा के निवास के बिल्कुल सामने स्थित दीपक हार्डवेयर की दुकान का है, जहां गुरुवार की देर रात तकरीबन 2 बजे अज्ञात चोर ने दुस्साहिक अंदाज में दुकान के ताले तोड़कर यहां रखे 3 केबल के बंडल, जिनकी कीमत करीब 35,000 थी, उन्हें चोरी कर लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए क्या कहा दुकानदार पंकज गुप्ता ने। मैं सुबह ही आया 8:30 बजे दुकान खोलने, तो मैंने देखा था मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने अंदर देखा तो उसमें से 3 केबल के बंडल चोरी हो चुके थे। उसकी कीमत कितनी होगी उन बंडलों की? लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये उन तीनों बंडलों की कीमत। आपने थाने में आके शिकायत की है? हाँ, शिकायत की। दरोगा जी आए हैं और लिख के ले गए हैं, इसके बाद में FIR पढ़ाऊँगा। और CCTV फुटेज में आपने जो देखा है अभी, उसमें कुछ समझ में आ रहा है चोर के बारे में कुछ? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक देखने में मिल रहा है कि वो चोर है। 2 बार 3 बार आया है और तीनों बार बंडल अलग अलग ले गया।